सत्य पे आधारित जो फिल्में हैं वहां वो सरकार मौन रही। हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टी जिम्मेदार है। भारत के प्रत्येक नागरिक को पता है उन पर अत्याचार किए गए। पिक्चरों ने अपनी सत्य कथा जो घटनाएं होती थी उन्हें दर्शाया था। तीन ऐसी बच्चियों की कहानी है। ये एक दिन इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, ये उनका एक आधिकारिक बयान भी है। सुरागी लाल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। आज जिस मुद्दे को लेकर हम आपके समक्ष आए हैं वो है सत्य पे आधारित जो फिल्में हैं। आज केरला स्टोरी की बात करें, उसके पहले हम 2023 में द केरला स्टोरी, 2022 में आई द कश्मीर फाइल्स और 1990 के दशक में आई 1984 के राइट्स के ऊपर बनी माचिस मूवी। कहीं ना कहीं ये जो मूवीज़ हैं ये सत्य पे आधारित होती हैं, तभी उनके निर्माता हैं। जब स्टार्टिंग में निर्माता लिखते हैं कि ये सत्य पे आधारित फिल्में हैं, और वास्तविकता में ये भी पाया गया कि उसके बाद जिनके ऊपर अत्याचार हुए वो लोग काफ़ी समय के बाद बाहर निकल के आए कि हाँ, उन्होंने ये स्टेटमेंट्स भी दिए जाके मीडिया में और उसमें कि ये हमारे साथ हुआ ये अत्याचार। हम अगर कश्मीर फाइल्स की बात करें तो कश्मीर फाइल्स में कहीं ना कहीं दोषी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, क्योंकि केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार हुए और वहां वो सरकार मौन रही। किसके दबाव में ये भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम बात करें 1990 के दशक में आई और 84 राइट्स पे जो सिखों के ऊपर अत्याचार हुए, 1984 के अत्याचार और उसके बाद के अत्याचार भी उस फिल्म में दिखाए गए। वहां किसकी गवर्नमेंट थी ये भी आप जानते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। इसके बाद द केरला स्टोरी जो आई उसमें भी आप देखिए पीएफआई का जो रोल है, जो जो हिंदू लड़कियों को कन्वर्जन किया गया, एक बड़े लेवल पे कन्वर्जन किया गया और काफ़ी लंबे समय से 40 वर्षों से यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। हम ये नहीं कहते कि कोई पार्टी जिम्मेदार है, परंतु जो पार्टी के पदों पे बैठे हैं लोग वो उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड काशीपुर जिले के जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी, साथ में गुरविंदर सिंह चंडोक जो कि प्रदेश मंत्री हैं भाजपा सरकार में, साथ में जिले के जो कोषाध्यक्ष हैं राहुल पैगिया जी, और साथ में हमारे जिला मंत्री महामंत्री हमारे साथ जुड़े हैं जो कि डॉक्टर चौहान साहब। मैं एक एक करके आऊँगा। मैं सबसे पहले जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहूँगा कि जो हमने ये बात जो ये बार बार आ रही है कि ये जो मूवी सत्य पे आधारित हैं और इनका विरोध भी हो रहा है, और जो लोग विरोध कर रहे हैं कम से कम वो अपने गिरेबान पे नहीं झांक के देख रहे कि कितना सनातनियों पे पूर्व में अत्याचार हुआ, इसमें आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिलप्रीत सेठी विक्टर जी। सर्वप्रथम मैं आपको, चूँकि आपका कल जन्मदिन था, वैसे आपकी मेरी फ़ोन पर बातचीत हो गई थी, लेकिन आज फेस टू फेस और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपका चैनल लगातार सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों को लगातार उठाता है और प्रत्येक व्यक्ति को आपने सही मंच देने का काम किया है, उसको लेकर मैं आपको सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। और जैसी आपने चर्चा करी द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स और माचिस की, चूंकि आपने स्वयं भी बताया कि पिक्चर शुरू होने से पूर्व बाकायदा लिखा गया है कि यह फिल्म सत्य घटना पर आधारित है, और अगर नहीं भी लिखा गया होता तब भी भारत के प्रत्येक नागरिक को पता है कि किस तरीके से कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर और केरल के अंदर हिंदू समाज पर बहुत बड़े अत्याचार हुए। हम बात करें अगर द कश्मीर फाइल्स की, कश्मीर में हम सब लोग जानते हैं कि जो कश्मीरी पंडित थे वहाँ पर
मुस्लिम समाज के साथ भी उनकी मित्रता भी थी और वहाँ पर संपन्न भी थे बहुत हमारे कश्मीरी पंडित। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के अल्पसंख्यक समाज, जो वहाँ का बहुसंख्यक समाज था, उसके द्वारा उन पर अत्याचार किए गए, उनको घर छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनकी संपत्तियों को छीनने का कार्य किया गया, माताओं बहनों के साथ रेप हुए, और इतना कुछ अत्याचार होने के बावजूद जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी वो मौन बनी रही, तो यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं अत्याचार तो हुए ही बहुत हैं, जो बार बार ये दर्शाया जा रहा है मूवीज़ में और आज लोग निकल निकल के आ रहे हैं। जो लोग कम से कम उनको सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इसी के साथ मेरे साथ जुड़े हैं प्रदेश मंत्री गुरविंदर सिंह चंडोक जी। ये तीनों ही मूवीज़ के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर क्या क्या हुआ और क्या राय है आप लोगों की? प्रथम तो मैं आपको आज आपका अवतरण दिवस और आप मीडिया के क्षेत्र में निश्चित रूप से नए नए आयाम स्थापित करने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए अभी आपको ये आपको लगा कि राष्ट्र के प्रति ये जो आपने आज विषय रखा है ये पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित विषय है और इस विषय पर आम एक सनातनी को सोचना है और इस पर विचार भी करना है कि आपने ये सवाल क्यों खड़ा किया। और ये विषय जो आपने रखा, ये पिक्चर्स जो होती हैं, मूवी जो होती हैं, बचपन से हम देखते आए हैं, चाहे वो सामाजिक विषय रोटी कपड़ा और मकान, आपने कुली, इस टाइप की पिक्चर सामाजिक विषयों को बिल्कुल सत्य रूप में, या जैसे काला बाजारी पूर्व में होती थी उस दौरान में 60-70 के दशक में, तो तब भी पिक्चरों ने अपनी सत्य जो घटनाएं होती थी उन्हें दर्शाया था। ऐसे ही जैसे आज द केरला स्टोरी, देखिए ये सनातन पे बहुत बड़ा एक साजिशन, ये इस्लामिक मूवमेंट, जब मैं कहता हूँ 1947 से जब देश का बंटवारा ही उन्होंने धर्म के नाम पर किया, वो तो एक धर्म के नाम पर करने के बाद इस हिंदुस्तान पर भी उन जो लोग ऐसा सोचते थे कि इसको जो बचा हुआ हिस्सा है इसको भी हम येन कैन प्राकेण, इसको हम इस्लामिक रूप में ले आए। उसी स्टोरी जो ज़्यादा केरला स्टोरी है, उसमें तीन, आपने अगर जिसने देखी होगी, तीन ऐसी बच्चियों की कहानी है कि उसमें उसको कैसे, उसको इस्लाम की तरफ ले जाने का कैसे घेराबंदी कर प्रयास कर। ये मैं कह देना चाहता हूँ कि केरला में लगभग 30,000 से 35,000 बच्चियाँ, सनातनी बच्चियों को ले जाकर उनका इस्लामीकरण करके ISI के कैंपों में भेज दिया गया है पिछले 12 सालों में। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ केरला के विषय में, VK अच्युतानंदन जो वहाँ के वामपंथी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा था कि ये केरला जो हमारी स्टेट है ये एक दिन इस्लामिक स्टेट बन जाएगी, ये उनका एक आधिकारिक बयान भी है। और इस बात का आगे भी मैं प्रमाण और देना चाहता हूँ कि केरला के हाई कोर्ट ने भी, केरला हाई कोर्ट ने स्वयं ही संज्ञान लेकर केरला सरकार से ये बात पूछी थी कि क्या इतना यहाँ पर जो इस्लामीकरण बच्चियों का, जो लव जिहाद का, इस पर ये सरकार क्यों नहीं संज्ञान लेती है, ये भी विषय एक सार्वजनिक आया। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीर फाइल, ये इसमें वो जो अत्याचार, अभी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी बताए, मैं इसे पुनः रिपीट नहीं करना चाहता, वहाँ पर एक जोरदार नारा चला था, रालेब गालेब और चालेब, इसका अर्थ है कि या तो आप कश्मीर छोड़ के अपना इस्लामिक धर्म ग्रहण कर लीजिए तो आप कश्मीर के स्थायी नागरिक होंगे, और या फिर यहाँ से भाग जाइए, और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। ये नारे खुलेआम मस्जिदों से ऐलान होता था। ये सोचिए एक भारत का अंग है,
जो कश्मीर धारा 370 थी उसके अंतर्गत आपने उस पिक्चर में एक सीन में भी देखा होगा, अगर आपने कश्मीर फाइल देखी, उसमें वहाँ के अधिकारी गण दिल्ली सरकार को फोन से और अन्य माध्यमों से ये कहते थे कि यहाँ की स्थिति बहुत खराब है, यहाँ पर कुछ कीजिए, लेकिन तत्कालीन सरकारें मौन रही कि कोई भी डिबेट कर कर हम पे तथ्य हैं, इस मूवी के तथ्य हमारे पास हैं, सच्चाई के तथ्य हमारे पास हैं कि ये एक इस देश में ऐसा भी होता है, इसके तथ्य हमारे पास हैं, कहीं भी डिबेट कर लीजिए। माचिस पिक्चर आई, वो भी एक सिखों का जो दमनकारी उस तत्कालीन सरकार को, आप सबको शायद पिक्चर के माध्यम से पता होगा कि उसी सरकार के एक नेता ने उन्हीं आतंकवादियों को खड़ा करके उन्हीं के द्वारा वहां आतंकवाद का पूरा खेल और नंगा नाच किया, लाखों सिख नौजवान मारे गए और उस दौरान भी और दिल्ली में 84 के दंगे भी हो गए। ये सारे काम उस पिक्चर में दर्शाते हैं कि ये जो तत्कालीन कांग्रेस सरकारें थी उन्होंने इस सरकार इस देश में जो 47 में बंटवारा हुआ और वो धर्म के आधार पर बंटवारा करा और उसी नीति को चलते आगे ले आते हुए ये पिक्चरें सब निश्चित तौर पर यह दर्शाती हैं कि ये काम पूर्ण रूप से सनातन को कहीं ना कहीं उन सारे समाज से पिछड़ने का काम में योगदान इन सरकारों ने दिया है। अब मेरे साथ हैं जिला कोषाध्यक्ष राहुल पैगिया जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बस इतना कहना, मुझसे पहले हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे गुरविंदर चंडोक जी प्रदेश मंत्री जी ने इस विषय में काफ़ी कुछ आपको बताया, बस मैं आपको कुछ बातों पे, कुछ विशेष बिंदुओं पे आपका फोकस चाहूँगा, हाईलाइट करना चाहूँगा। ये जो कांग्रेस की सरकारें हैं जिन्होंने ये पास्ट में ये सारा काम करा, ये तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से, अपने वोट बैंक की वजह से, वो आज भी नहीं समझ रहे, वो आज भी नहीं मान रहे। ये जागरूक आम जनता को होना है। आज बंगाल में दीदी ने पिक्चर बैन करी तो उनका सुप्रीम कोर्ट में केस कौन लड़ रहा है? अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के लीडर नेता। आज बॉम्बे में ब्लास्ट होता है उस आतंकवादी के लिए, पूरी रात में कोर्ट कौन खुलवाता है? कांग्रेस के वकील। ये सारे के सारे जो ये कांग्रेस आज भी इस बातचीत को मानने का, कश्मीर फाइल को बैन करने के लिए हल्ला किसने करा, किसने शोर मचाया? सारे कांग्रेस के नेताओं ने। क्यों नहीं सत्य सामने लाने देना चाहते जनता के सामने? आगे आने वाली भावी पीढ़ी को क्यों नहीं पता चले कि इन कांग्रेस के लोगों ने क्या करा? 1984 के दंगे में कांग्रेस के लीडर सज्जन कुमार जी को कोर्ट ने सजा दी, उसके बाद भी आज जनता को ये छुपा के घूमने से क्या लाभ है? क्या वजह क्या है इनकी? और सिर्फ वजह यह है कि देश को बांटो और राज करो, जो अंग्रेजों से इन्होंने फॉर्मूला सीखा, उसी वजह से 1947 में आज हमारा देश बट गया, नहीं तो आज हमारा एक देश हिंदुस्तान ही रहता। बस मेरा इतना ही कहना। अब मेरे साथ हैं जिला महामंत्री डॉक्टर चौहान जी, क्या कहना चाहेंगे साहब आप? सर प्रथम भाई दलप्रीत जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इस विषय में मेरा मानना यह है कि जो पिक्चर होती हैं, जो फिल्में होती हैं, वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होती हैं, और समाज में जो घटित होता है या कुछ ऐसा होने वाला होता है तो वो एक पिक्चर के द्वारा समाज के सामने उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका है, एक रास्ता है, और उस रास्ते से अपनी जो जनरेशन है उसको अपने इतिहास के विषय में भी पता लगता है और उसका क्या हम निवारण कर सकते हैं, जो एक हमारा प्रबुद्ध जन समाज है उसको सुधारने का काम भी करता है। इसी क्रम में जो ये पिक्चरें आई हैं, जो फिल्में आई हैं, उसमें जो हमारी कांग्रेस की सरकार है, उन सरकारों ने कहीं ना कहीं जो समाज में गलत घटित हुआ और वो समाज के सामने प्रदर्शित हो रहा है, उसका उन्होंने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया कि वो सच्चाई समाज के सामने ना आए। जो प्रोड्यूसर हमारे, जो फिल्मकर्ता हमारे पिक्चर बना रहे हैं, उनको इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं उनको दमन करने की कोशिश की गई कि जो समाज में बुराइयाँ आई हैं, जैसे अभी जो द केरला फिल्म आई है, पहले माचिस फिल्म आई थी उसमें अपने सिख समाज का जो दमन हुआ था उसको प्रदर्शित किया गया था, फिर द कश्मीर फाइल्स फिल्म आई जिसमें सभी ने देखा कि हिंदुओं, जो अपने कश्मीरी हिंदू पंडित थे, उनके विरोध में कितना उनका दमन हुआ, उनके साथ अत्याचार हुए, उनके मर्डर हुए, उनकी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ कितने रेप हुए। तो ये सब क्रम से जो चला आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार का पूरा पूरा हाथ रहा है, और कांग्रेस सरकार साथ में ये भी नहीं चाहती थी कि कोई इसको फिल्म को दिखाए और समाज के सामने जो हमारे कुकृत्य हैं वो समाज के सामने आए, लेकिन
फिल्में कहीं ना कहीं दर्पण होती हैं समाज का, जैसे मैंने कहा। और ये बहुत अच्छा, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा जो भी हमारे प्रोड्यूसर हैं और ऐसी फिल्में बना के समाज के सामने सच्चाई को लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ उनको कि उन्होंने समाज के सामने सच्चाई को रखने का प्रयास किया। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।